शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 296 अंकों की बढ़त के साथ खुला। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,383 नए केस, केरल में सबसे ज्यादा 17,481 मामले। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद, पुलिस ने जंतर मंतर को चारों ओर से घेरा, जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा प्रबंध किए गए। सीएम योगी आज करेंगे सीएम बाल सेवा योजना का शुभारंभ, अनाथ बच्चों के कई तरह के लाभ मिलेंगे। आगरा में 1 लाख का इनामी बदन सिंह अपने एक साथी समेत डेढ़ डॉक्टर से मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती, गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाल सेवा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। ये योजना कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, उनकी शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए शुरू की जा रही है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 18 साल की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अब अथवा दोनों की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, इन बच्चों को प्रदेश सरकार की ओर से 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे बच्चों जो पूरी तरह अनाथ हो गए हैं उन और बाल कल्याण समिति के आदेश से उन्हें बाल देखभाल संस्थाओं में भेजा जाएगा। 11 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाएगा। तो अनाथ बच्चों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी बच्चों की शिक्षा, भरण पोषण से लेकर उनके शिक्षा और तमाम जरूरत की चीजें उन्हें मुहैया कराएंगे। बता दें कि जो बच्चे कोरोना काल में, जिन बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए और वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है ऐसे बच्चों की संख्या में, तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ये पहल शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नव नियुक्ति आबकारी निरीक्षकों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता से चयन किया है। आपको किसी भी स्तर पर किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप सभी की कार्य पद्धति, आचरण और व्यवहार अच्छा रहे, यही अपेक्षा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50,000 और नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बदलाव की जरूरत है, ये बदलाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। अब प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली प्रत्येक जरूरतमंद को, लोहिया आवास के 3 लाख रुपए व छात्रों को लैपटॉप देंगे। सपा का घोषणा पत्र गरीबों किसानों के लिए होगा और पहले से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि बड़े दलों के साथ समाजवादी का अनुभव ठीक नहीं रहा है, इसलिए आने वाले समय में छोटे दलों को ही साथ लेंगे। बसपा के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जनता ने उनकी सरकार देखी है। भाजपा को हराने की मंशा रखने वालों के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते खुले हैं। इससे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा से गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी विराम लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा ना बढ़े, इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त उपाय कर रही है। ऐसे 11 राज्य जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, वहां से आने वाले यात्रियों को कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट या फिर टीके की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इन दोनों में से कोई एक अभिलेख दिखाने पर ही उन्हें यूपी में आने की इजाजत होगी। पिछले 4 दिनों में कराई गई कोरोना की जांच रिपोर्ट की मान्य होगी। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 24 जुलाई से प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू होगी। सभी हवाई अड्डे, रेलवे व बस स्टेशनों पर बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी। जिन 11 राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3% से अधिक है, उनमें महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर,
मिजोरम, मेघालय, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश शामिल है। प्रदेश में 80,000 से अधिक निगरानी कमेटियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। वो बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखेंगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली तो उससे स्वास्थ्य विभाग को जरूर अवगत कराएं। दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। संसद के मानसून सत्र तक उनका प्रदर्शन बृहस्पतिवार से 9 अगस्त तक चलेगा। यहां सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की छूट मिली है। 5 बजे के बाद वो सिंधु बॉर्डर लौट जाएंगे। उधर खालिस्तान समर्थक गुरपंत सिंह पन्नू ने पंजाब के युवाओं व किसानों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले को 5 जोन में बांटकर हर जोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपायुक्त स्तर के पुलिस अधिकारियों को दे दी है। किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर ही दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करने की इजाजत सरकार के द्वारा दे दी गई है। हालांकि किसानों को सिर्फ 200 लोगों को ही अनुमति मिली है, किसानों को जो जंतर मंतर पर जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। तो धरना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का 26 जनवरी वाला वो कृत्य दोबारा से ना दर्शाया जा सके। साथ ही साथ हिदायत भी दी जा रही है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो जरूर करें। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। मार्तंड, क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि किसान एक बार फिर से अपने हक की लड़ाई को और मजबूती देने जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं अब दिल्ली में कूच करने की बात हो रही है, जंतर मंतर पर अनुमति भी दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए किसानों ने पहले ही कहा था कि उनका प्लान था कि जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा उस समय जो है सरकार को घेरने के लिए संसद भवन का घेराव वगैरह किया जाएगा, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली थी दिल्ली कूच करने की। हालांकि अब सशस्त्र परमिशन मिल गई है, किसान संसद का आयोजन करने की इजाजत दे दी गई है, जिसमें 200 किसानों को जंतर मंतर पे जो है ये इजाजत दी गई है। ये पूरी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत दी गई है कि अलग अलग संगठन जो है, तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे में देश भर के करीब 40 किसान संगठन शामिल हैं। ऐसे में एक समूह को किसी को इजाजत देना जो है ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने 5-5 सदस्य को अलग अलग संगठनों के, जो 40 अलग अलग संगठन है उनके 5-5 सदस्य को अनुमति दी है कि जो इस किसान संसद में शामिल हो सकते हैं। और ये 11 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी ये किसान संसद जो किसानों की है संसद भवन के बाहर। इसका सीधा मतलब देखिए, जो संसद की जो का सत्र है वो भी 11 बजे से 5 बजे तक चलता है और किसान संसद भी 11 बजे से 5 बजे चलेगी। कुल मिलाकर सरकार को पूरी तरीके से घेरने की, अपनी बात रखने की किसानों के लिए एक मंच तैयार हो चुका है। और ये सभी जो किसान हैं इनको दिल्ली पुलिस ही अपने बसों में बिठाकर बकायदा एस्कॉर्ट करते हुए लेके जाएगी। 200 जो ये 5-5 सदस्य हैं 40 संगठनों के, 200 जो सदस्य होंगे उनको दिल्ली पुलिस लेके जाएगी। और ये सारे लोग जो सिंघु बॉर्डर है, अभी तक किसान आंदोलन अलग अलग बॉर्डर पे जो है किसानों का धरना प्रदर्शन ये चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सब लोग सिंघु बॉर्डर पे इकट्ठा हो जाए और वहां से सबको दिल्ली पुलिस 5 से 6 बसों में बिठाकर इन लोगों को लेके जाएगी। और किसानों ने एक और विपक्ष से भी विपक्ष का आह्वान किया है कि विपक्ष जो है संसद का कार्य बहिष्कार करने की बजाय संसद में जो है किसानों का मुद्दा उठाएं। अगर ऐसा विपक्ष नहीं करता है तो जो सत्ताधारी दल के सांसदों का जिस तरीके से किसानों ने बहिष्कार किया था, वैसे विपक्ष के सांसदों का भी बहिष्कार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो किसानों की रणनीति है, उनको जो चाहिए था दिल्ली कूच करने की इजाजत चाहिए थी, वो पुलिस की तरफ से मिल गई है। पुलिस से जिन बातों पर सहमति बनी है, 11 बजे से 5 बजे तक ये किसान संसद चलेगी, हर संगठन के 5-5 लोग रहेंगे, अलग अलग बॉर्डर सिंघु बॉर्डर की तरफ जाएंगे, सीसीटीवी की निगरानी रखी जाएगी और शाम को फिर वापस पुलिस इनको सिंघु बॉर्डर पर छोड़ देगी, जहां से किसान अपने अपने जहां उनका मोर्चा है, जहां प्रदर्शन कर रहा वहां चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मार्तंड हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
किसानों के मोर्चे को और बुलंद किया जा रहा है, जनता मंत्र पर लगातार किसान कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते आगे संसद के मानसून सत्र में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में आज जासूसी कांड पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। कांग्रेस का इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान है। साथ ही राज्यसभा में पेगासस और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के मामले पर हंगामे के आसार है। पेगासस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि किस संस्था या व्यक्ति के माध्यम से अवैध तरीके से फोन हैकिंग किया गया है और सूचनाएं बटोरी गई। कांग्रेस इसे लेकर देश भर में आंदोलन करेगी। कुछ छुपाने को नहीं है तो सरकार को विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है और हरा सकता है तो वो कांग्रेस है। देश के अधिकतर राज्यों में झमाझम बारिश के दौर जारी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग अगले दो घंटे में दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की उम्मीद जताई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जींद, रोहतक, कैथल और रेवाड़ी समेत कई इलाके, उत्तर प्रदेश के कासगंज और मथुरा समेत कई जिले और राजस्थान के भरतपुर में अलग अलग स्थानों पर अगले दो घंटे में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। यही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि रविवार को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद अगले सप्ताह फिर बारिश का दौर शुरू होगा जो कई दिनों तक जारी रहेगा। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, बारिश और मानसून एक बार फिर से आ चुकी है, हालात क्या होंगे क्योंकि मानसून आने से लगातार जलभराव की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं? कीर्ति, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा अनुचित नहीं होगा कि तस्वीरें आने वाले समय में और ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में भारी बारिश की वजह से तबाही हुई है उससे कई ज्यादा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं उसमें और ज्यादा बारिश होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। और खासकर से जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाके के उत्तरी इलाकों में कुछ जो जिले हैं उसमें भी भारी मौसम बारिश की आशंका बताई जा रही है। इसलिए सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को एक खास अलर्ट मोड पर रखा गया है कि आखिर अगर किस तरीके की समस्या, अगर ऐसी तस्वीरें देखने को किसी जिले में अगर मिलती है तो राहत बचाव के साथ साथ वहां की व्यवस्था को पूरी तरीके से सुनिश्चित कराया जाए, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। क्योंकि खास तौर से जलभराव से बात कर ले, चाहे किसी मकान ढहने की बात कर ले या मलबे गिरने की बात कर ले, अगर इस तरीके की स्थिति कुदरत की तरफ से कहीं भी रिस्पांस दिखाई देती है तो उसको, उससे निजात दिलाने के लिए जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकार के हित में जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो राहत बचाव के लिए तुरंत जाए और वहां पर काम करे। अगले तकरीबन एक हफ्ते तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और ये कहा जा सकता है कि लखनऊ के साथ साथ जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं उनको हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासतौर से जो गंगा जमुना जी के तट पर जो जिले आते हैं, जो उनसे जुड़े हुए जो गांव हैं उनको खासतौर से अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कुछ गांव में जो कटाने होती हैं, जो बीते 5-10 सालों में देखने को आई है कि भारी बारिश के चलते उन इलाकों में कटान हो जाती है, तो उनको खासतौर से अलर्ट मोड पर रखा गया है और वहां पर सिविल डिफेंस की टीमें लगातार तैनात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे ही मानसून आता है लोगों के चेहरे पर खुशी जो है वो खिल जाती है, लेकिन उसी के साथ ही परेशानियां भी दस्तक देती हैं क्योंकि जल भराव की समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती है। और ये हर साल देखने को मिलता है, जब भी मानसून आता है तो उसके साथ ही जल भराव की समस्याएं लोगों के लिए भारी परेशानी भी खड़ी कर देती है। वहीं डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में शामिल और फिरौती की मांग करने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह थाना जगनेर के कछपुरा क्षेत्र में मुठभेड़ में अपने एक साथी के साथ मारा गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान एसएसपी आगरा और एसपी वेस्ट और अन्य अधिकारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस टीम के 2 सदस्य भी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। बता दें कि ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण की साजिश धौलपुर के बदमाश लंदन सिंह ने रची थी। उसी के साथ ही युवती संध्या ने अंजलि बनकर डॉक्टर से बात की थी, उनसे नौकरी के बहाने मिली थी, इसके बाद अगवा कर ले गई थी। डॉक्टर को 31 घंटे के बाद ही पुलिस ने मुक्त करा लिया था। थाना जगनेर क्षेत्र में एसएचओ जगनेर अपना फोर्स के साथ जगनेर चौराहे पर चेकिंग कर रहा था, उस समय
वहाँ पे एक मोटरसाइकिल में दो लोग जा रहा था, उनको रुकने के लिए प्रयास किया। वह रुकने के लिए प्रयास करते समय दोनों लोग बहुत तेज से आगे बढ़ा मोटरसाइकिल में, और SHO पीछे पड़ा। वो बैरियर तोड़ के आगे भाग रहा था, पीछे भी SHO जगनेर भी पीछे पड़ा। उन्होंने कंट्रोल रूम का मैसेज दिया, कंट्रोल रूम से मैसेज इसने दिया, कुछ लोग संदिग्ध लोग आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पड़ रहा हूँ, आगे बसे जगनेर का SHO को बता दो और जनपद में चारों तरफ बता दो, ये कहीं भी निकल सकता है, इन लोगों का चेकिंग करना है। उन्होंने आदेश किया था, उन्होंने कंट्रोल रूम का रिपोर्ट दिया था। मैं भी कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली थी। मैं भी आज IG रेंज महोदय का आदेश था, आज 9 बजे से जनपद का सभी बार सील करके चेकिंग होना है, जनपद का अंदर भी चेकिंग होना है, उसके SSP स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, हर चेकिंग पॉइंट चेक करना है, इसे निर्देश था। मैं भी चेकिंग कर रहा था रास्ते में, कहाँ कहाँ चेकिंग हो रही है, किस चाण क्षेत्र में कैसे चेकिंग हो रहा है, उसके मैं भी रास्ता में निकल रहा था, मैं भी चेक कर रहा था। उस सूचना मिलते हुए मैं भी तुरंत उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, और जाते समय मैं भी देखा वहाँ पे कोई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे हम भी आगे बढ़ा, और हम आगे बढ़ते हुए और हम लोग गाड़ी के सामने हम नजदीक देखा, SHO जगनेर की गाड़ी लगी दिखाई पड़ा मुझे, उसके आगे हम सामने से बसई जगनेर से एक पुलिस की गाड़ी आई थी, और उस गाड़ी देखते हुए जो बदमाश हमारा सामने दिखाई पड़ा, हमारा गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल तेज जा रहा था, तुरंत उसने अचानक खचपुरा जंगल की तरफ गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ा है, अजीब हम भी उसी तरह का मोड़ा, और हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, काफी लंबे समय से इस अपराधी की तलाश थी, हालांकि मुठभेड़ में पता चला है कि ढेर कर दिया गया है। जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको, जिस तरीके से ये घटना जो 13 जुलाई की थी, एक डॉक्टर का अपहरण किया जाता है, डॉक्टर गुप्ता का अपहरण किया जाता है, अपहरण के बाद में उसको 5 करोड़ रुपए की उससे फिरौती मांगी जाती है, जिसको पुलिस ने तत्काल उसका खुलासा करने के लिए पुलिस ने अपनी टीमें बनाई और राजस्थान के धौलपुर में जाकर दबिश भी दी, और वहां से सकुशल अगले दिन डॉक्टर को बरामद भी कर लिया जाता है। लेकिन कोई भी जो फिरौती मांगने वाले जो अपराधी होते हैं वो कोई भी उस समय गिरफ्त में नहीं आ पाते। लेकिन एक युवती के मिलने के बाद में उससे कुछ सुराग मिलता है, तो उसके बाद में जब ये पता लगता है कि ये कौन सा ग्रोह है और किस ग्रोह के तहत इससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद कल रात को जिस तरीके से DIG आगरा के द्वारा एक चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जो रात्रि 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का इसका अभियान रखा गया था, तो वहीं चेकिंग के दौरान SSP और पूरा आगरा का फोर्स चेकिंग कर रहा था, उस समय एक बाइक पर दो लोग संदिग्ध इन्हें दिखाई दिए, और उसका पीछा करने के बाद पता लगा कि वो लोग जिन्होंने डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का जो अपहरण किया था उसका जो वांटेड था बदन सिंह वो है, जिसपे 1 लाख रुपए का इनाम था, तो उसका पीछा किया इन लोगों ने। पीछा करने के बाद जगनेर थाना क्षेत्र के अंदर इनकी मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के अंदर ये दोनों बदमाश ढेर हो गए और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस की टीम ने 2 सदस्यों की मुठभेड़ में घायल हो गए थे, पुलिस वाले भी जिन्हें इलाज उनका भी इलाज चल रहा है। वही बता दें कि इस मुठभेड़ में 2 बड़े शातिर अपराधियों को ढेर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम TV।